हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरे पास है Amazfit की तरफ से एक नया स्मार्ट वॉच जो कि है पॉप 3R। तो दोस्तों, मैं ये फ्लिपकार्ट से लिया हूँ और लास्ट दो तीन दिन से यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी इसको फिर से बॉक्स में डाल के आप लोगों को जैसा मैं हमेशा दिखाता हूँ कि बॉक्स में कैसे आता है, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि आप लोगों को बताने से पहले मैं खुद देख लेता हूँ कि ये क्या प्रोडक्ट कैसा है, तो इसके लिए ताकि आप लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। तो चलिए आप लोगों को पहले इसका बॉक्स दिखा देता हूँ। तो बॉक्स में पहले ऊपर एक वॉच का फोटो दिया हुआ है, Amazfit AZ ब्रांड पॉप 3R लिमिटेड क्लासिक एडिशन करके लिखा हुआ है। इस तरफ पे है आप योर गेम, ऊपर कुछ नहीं है, नीचे ब्लूटूथ और बारकोड दिया गया है, इधर भी वही है सेम आप योर गेम। और इसके पीछे इसका सारा जो फंक्शंस है स्पेसिफिकेशन वो सब लिखा हुआ है, जैसे क्लासिक राउंड मेटलिक डिज़ाइन, 1.43 इंच HD AMOLED डिस्प्ले, ब्लूटूथ फ़ोन कॉल सपोर्ट करता है, 24 आवर्स हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SpO2 मॉनिटर, स्ट्रेस मॉनिटरिंग, 100 प्लस स्पोर्ट्स मोड, लॉन्ग बैटरी लाइफ, ये सब इसका दिया हुआ है। और इधर पे इसका प्राइसिंग दिया हुआ है 6999, जो कि फ्लिपकार्ट में नॉर्मली मिल जाता है 4999 में। तो चलिए मैं बॉक्स ओपन करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि बॉक्स में कैसा आता है। तो ये एक्चुअली फ्लिपकार्ट की तरफ से ओपन बॉक्स डिलीवरी था, तो वही लोग पहले ओपन करके दिखा के गया था। तो ये है वॉच, ये वॉच ऐसे आता है और इसके साइड में इसके साथ ये है एक एडजस्टर टूल, मतलब इसका जो स्टील बैंड है उसको अगर छोटा करना हो तो इससे इसको यूज कर सकते हैं। तो इसको साइड में रखता हूँ, इसको छोड़ के और क्या है, ये है इसका चार्जिंग केबल, मैग्नेटिक चार्जिंग केबल जो है USB टाइप ए है इधर पे, और ये मैग्नेटिक चार्जिंग केबल। और इसके साथ है इसका प्रोडक्ट मैनुअल, इसको बेसिकली कैसे चार्ज करना है, इसका डिटेल्स क्या क्या है। तो इधर पे इसका बेसिक पैरामीटर्स दिया हुआ है, तो जैसे इसका बैटरी है 500 मिली एम्पियर का, IP68 रेटेड है ये। और क्या है, और ज़्यादा कुछ नहीं है, तो इंग्लिश और हिंदी में है प्रोडक्ट मैनुअल। और ये है इसका मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के इसका बैंड को कैसे एडजस्ट किया जा सकता है। तो इस तरफ पे बेसिकली एक एरो दिया हुआ है, तो एरो से ओपन करना है। तो इधर पे 4 स्टेप और इधर पे 2 स्टेप दिखा हुआ है, तो मैं अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख सकते हो कि कैसे एडजस्ट करना है। तो फिलहाल मैं ये सब साइड करके वॉच दिखाता हूँ। तो ये बेसिकली मैंने ब्लैक मेटल वाला जो वर्शन है वो लिया हूँ, और ये सुपर एमोलेड है तो इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी आता है, तो मैंने सेट कर दिया इसमें। तो दोस्तों, बढ़िया लुक आता है इसका। ये है इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, एक मतलब एनालॉग वाला, और एक डिजिटल वर्शन आता है। तो ये जो बैंड है पूरा स्टील का बैंड है, ब्लैक स्टील कलर का है और पूरा मेटलिक फ्रेम है। और ये मैट नहीं है, फुल ग्लॉसी है एकदम। इस साइड पे कुछ नहीं है इसका, पूरा प्लेन है। और इस साइड पे 2 बटन है, बीच में इसका माइक प्लेस्ड है, और इसके पीछे है इसका जो मतलब सेंसर्स है, ये हार्ट रेट सेंसर्स वगैरह, और ये है इसका चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे। तो ये ऐसे लग जाता है, इसके पीछे मैग्नेटिक है। तो इसमें कुछ 5 डायल का ऑप्शन है, तो ये है पहला वाला, ये है फास्ट डायल, ये है सेकंड वाला, ये है तीसरा वाला, चौथा, और ये लास्ट वाला है कस्टमाइज करने का। तो मतलब आप कोई भी बैकग्राउंड पिक्चर डाल के टाइम एडजस्ट कर, टाइम का प्लेसिंग भी सेट कर सकते हो ऐसे। और इसको प्लेस एंड होल्ड किया तो ऐसे वाइब्रेट होता है, और वाइब्रेट होने के बाद बाकी सारे ऑप्शंस आ जाता है। तो चारों के चारों जो इनबिल्ट मतलब डिफॉल्ट दिया गया है वो भी, वो मतलब डायल्स भी काफी अच्छा है।
ये आप लोग फ्लिपकार्ट में ये बेसिक डायल अप देख सकते हो, इसी का फोटो दिया रहता है। बट इसके साथ जो ये ब्लू वाला है ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, और इसके साथ और एक है वाइट वाला, ये वाला है जो इसका बॉक्स के ऊपर जो फोटो दिया हुआ है वो ये वाला स्क्रीन का दिया हुआ है। तो इसका अभी ब्राइटनेस दिखाता हूँ, ये है मैक्सिमम ब्राइटनेस, ठीक है। तो ये मैक्स ब्राइटनेस पे ऐसे दिखता है, बहुत ज़्यादा ब्राइट है। और इसको अगर मैं सबसे कम कर दूँ, 1 पे रखूँ, तो भी ये काफ़ी अच्छा दिखता है। तो ब्राइटनेस के लिए मतलब एमोलेड डिस्प्ले है, ब्राइटनेस के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो इधर पे गेस्चर ऑन किया हुआ है, ब्लूटूथ भी ऑन है, इधर पे ये डू नॉट डिस्टर्ब है, ये सेटिंग्स है। तो अभी फ़िलहाल ब्लूटूथ कनेक्टेड नहीं है, तो आप लोग देख सकते हो इधर पे ये ब्लूटूथ का जो है वो रेड कलर में हुआ है, मतलब कनेक्टेड नहीं है। और बैटरी परसेंटेज दिखा रहा है 42% है। तो बैटरी भी ठीक ठाक है, मतलब काफ़ी अच्छा चल जाता है, मतलब नॉर्मल। मैं अभी 2 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, तो काफ़ी एक ही बार सिर्फ चार्ज किया हूँ, तो एक बार चार्ज करने के बाद 2 दिन फुल यूज़ करने के बाद भी 42% है, तो मतलब ठीक है। तो अभी दिखाता हूँ इसका बाकी मोड्स कैसा है। तो इसमें पहले म्यूज़िक मोड आता है, फ़ोन मोड आता है, अलार्म, स्टॉप वॉच, टाइमर, स्ट्रेस, ब्रेथ, वेदर, फ्लैश लाइट, मैसेज, फाइंड फोन, कैमरा और सेटिंग्स। तो अभी सेटिंग्स में गया, तो इधर पे सबसे पहले क्या आता है इसका वॉच फेसेस। तो वॉच फेसेस तो वही है जो 4-5 दिखाया मैं। तो उसके बाद क्या आता है मेनू स्टाइल, ये लिस्ट टाइप होगा कि 9 ग्रिड होगा। तो जो अभी है वो लिस्ट स्टाइल है, अभी इसको 9 ग्रिड करके दिखाता हूँ। तो ये अभी ऐसे आ गया मेनू स्टाइल, अब ऐसे लेफ्ट टू राइट करेंगे तो वो बैक है बेसिकली। अभी इधर से भी ब्राइटनेस चेंज कर सकते हैं और उधर से भी कर सकते हैं, अभी 1 पे है तो मैं खुद भी चेंज कर सकता हूँ। अभी स्क्रीन टाइम, ये मतलब नॉर्मल स्क्रीन टाइम है जो मतलब मिनिमम 5 सेकेंड्स तक से 30 सेकेंड्स तक है, तो मैं 10 सेकेंड्स में रखता हूँ। और इसका जो AOD सेटिंग्स है, मतलब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स, तो उसको दिखाता हूँ। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में क्या होता है, क्लॉक टाइप आप सिलेक्ट कर सकते हो, ऑन या ऑफ। तो इधर पे ऑफ कर दिया तो वो सब चला जाएगा, मतलब ऑफ AOD ऑफ हो जाएगा, नहीं आएगा। और इधर पे इसको किया तो डिजिटल क्लॉक किया, इनेबल किया तो इधर पे ये ऑटोमेटिक ऑफ हो गया और डिजिटल क्लॉक ऑन हो गया। और इधर पे किया तो ये एनालॉग वाला ऑन हो जाएगा। तो बस यही 2 ही ऑप्शन है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो एनालॉग वाला तो आप लोग देख ही लिए, अब डिजिटल वाला भी एक बार दिखा देता हूँ। तो ये है इसका डिजिटल वाला ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। तो चलिए अभी क्या है, तो फिर से मेनू में जाता हूँ, तो सेटिंग्स में जाके AOD का अभी क्लॉक टाइप सेट किया, और इधर से AOD का टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं, 5 मिनट से 30 मिनट्स। अभी लेटेस्ट जो अपडेट आया उसके बाद ये ऑल डे का भी आ गया, मतलब वो सारा दिन ये चलता रहेगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। बट उसमें होगा क्या, मतलब बैटरी ज़्यादा खाएगा, तो मैं तो नॉर्मली 5 मिनट्स रखता हूँ मिनिमम, इसको एनालॉग रखता हूँ। और इधर पे बैक हो गया, AOD क्लॉक और AOD टाइमिंग आप लोगों को दिखा दिया। फिर आता है लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज आप चाहते हो वो सिलेक्ट कर सकते हो, वाइब्रेशन मतलब स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट या ऑफ। मतलब ये वाइब्रेशन है बेसिकली, अगर मैसेज आएगा या फिर मतलब कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो उस टाइम पे ये वॉच वाइब्रेट करेगा कि नहीं, वो दिखाने के लिए बेसिकली। तो हो गया वाइब्रेशन, अभी क्या है बैटरी, ये दिखा रहा है बैटरी 42% है। इसका एक पावर सेविंग मोड भी है, तो ये डू यू वांट टू एंटर द लो पावर मोड, तो ये इनेबल करेंगे तो ये सिर्फ एक ऐसे डिस्प्ले आ जाता है, मतलब सारा डिस्प्ले चला जाएगा पूरा ब्लैक एंड व्हाइट। ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले है तो बैकग्राउंड पूरा ब्लैक हो जाएगा, उसके ऊपर सिर्फ व्हाइट में ऐसा आएगा। अभी लॉन्ग प्रेस द बटन फॉर 3 सेकेंड टू एग्जिट द पावर मोड, तो इधर से 3 सेकेंड, 1, 2, 3, तो ये चला गया, एग्जिट हो गया। तो अभी फिर से सेटिंग्स में जाएंगे हम लोग, बैटरी हो गया, QR कोड है बेसिकली वो ऐप डाउनलोड करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, स्कैन टू डाउनलोड द ऐप। अबाउट, इसमें UI का वर्जन है, रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन है, फार्मर वर्जन है, मैक एड्रेस, ब्लूटूथ क्या है, सब कुछ है इसमें। अभी रिंगटोन, तो इसमें रिंगटोन कैसा है दिखा देता हूँ, रिंगटोन वॉल्यूम।
तो इसका ऐसे रिंगटोन का वॉल्यूम आप लोग इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। अभी रिंगटोन क्या है, रिंग फॉर इनकमिंग कॉल्स रिंग, और या वाइब्रेशन क्या है, कौन सा आप लोगों को पसंद है उस हिसाब से आप लोग सेट कर सकते हो। सिस्टम साउंड जो है एक ये है, एक ये वाला है, और एक नन और वाइब्रेशन, तो बस दो ही टाइप है। मैसेज टोन का भी दो है, तो यही है इसका जो रिंगटोन सेटिंग्स है। रिस्टार्ट कर सकते हो या रिसेट कर सकते हो या शट डाउन कर सकते हो। तो हो गया सब इधर का, इसका सेटिंग्स दिखा दिए। तो अभी आप लोग देख सकते हो 5 था इसका ब्राइटनेस, अभी 5 ब्राइटनेस पे ये 42% था, सीधा 39% आ गया। कंटिन्यूस ये यूज़ हो रहा है इसलिए। तो अभी लेफ्ट टू राइट यूज स्वाइप करता हूँ, तो ये है टैप टू वॉइस, तो ये वॉइस सर्च करने के लिए, तो बेसिकली ये ब्लूटूथ ऑन होगा, ब्लूटूथ से फ़ोन कनेक्टेड रहेगा, तो फिर ये टैप करके आप कुछ भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, तो जैसे फ़ोन कॉल या कुछ भी। ये है म्यूजिक कंट्रोल, ये है वेदर अपडेट, फिर SPO2। तो नॉर्मली SPO2 कनेक्ट नहीं करे, मतलब कुछ दिखाएगा नहीं, ठीक है, ये हाथ में बिना पहने ये नहीं दिखाता है। तो वही दिखाया कि अभी स्लीप मॉनिटर नहीं है कुछ, ये BPM मॉनिटर वो भी कुछ नहीं दिखाएगा क्योंकि मैंने ये अभी पहना हुआ नहीं है, तो बिना पहने ये कोई रीडिंग नहीं दिखाता है। वही ये बोल रहा है, फेल टू मेजर, प्लीज कीप स्टील एंड वेयर ग्लव टू स्किन। तो ये बेसिकली बिना पहने ये रीडिंग नहीं देगा, बट फिर भी मतलब मेडिकल पर्पस पे मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा, मतलब काफ़ी ठीक ठाक दे देता है, बट फिर भी मेडिकल रीजन, मतलब मेडिकल बैकग्राउंड के लिए मैं ये सजेस्ट नहीं करता हूँ यूज़ करने के लिए। और इधर पे है एक्टिविटी डेटा, मतलब स्टेप्स वगैरह, और फिर आ गया स्क्रीन पे, नीचे से ऊपर गया तो इसका सारा मैसेज दिखाता है, जो भी नोटिफिकेशन सेट किया हुआ है वो सब आएगा। तो इधर से रीड भी कर सकते हैं मैसेजेस, टू न्यू मैसेज, तो मैसेज रीड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, बट रिप्लाई नहीं कर सकते। तो ये हो गया, और नीचे से नीचे का बटन प्रेस किया तो डायरेक्ट ये स्पोर्ट्स मोड में आ जाता है। तो इसमें क्या क्या है स्पोर्ट्स मोड, अभी आउटडोर वॉक, आउटडोर रन, माउंटेनिंग, आउटडोर साइकिल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल, इलेक्ट्रिकल ट्रेनर, योगा, पिंग पोंग। तो बेसिकली 100 स्पोर्ट्स मोड आता है इसमें जो लिखा हुआ है, बट अभी इसमें बाय डिफ़ॉल्ट इतना है, तो मोबाइल मतलब इसका ऐप से शायद ऐड कर सकते हैं और कुछ, तो वो देखेंगे बाद में। तो इसका जो भी है ऐसे सिलेक्ट किया तो ये स्टार्ट हो जाएगा, तो ये स्टार्ट हुआ। अभी इसको वो कोई भी स्पोर्ट्स मोड में नेक्स्ट स्क्रीन में आएंगे, तो उधर पे म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन भी है। तो अभी इसको बंद करना है तो ये डेडिकेटेड स्पोर्ट्स की, उसको प्रेस एंड होल्ड करना पड़ेगा, तो ये रिटर्न और एंड, मैं एंड करता हूँ तो बंद हो गया ये। तो ये इसका मतलब बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, हाथ में पहनने से काफ़ी ठीक ठाक लगता है, ठीक ठाक नहीं बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली। और ये थोड़ा हेवियर साइड में है क्योंकि पूरा मेटल का है, ये बैंड भी पूरा मेटल का है, तो अभी इसको मतलब इस प्राइस पॉइंट में तो काफ़ी अच्छा वॉच है Amazfit की तरफ से, क्योंकि इसका बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, और मतलब IP68 रेटिंग के साथ आता है, हालांकि इसको लेके मतलब स्विमिंग नहीं कर सकते वो लिखा हुआ है मैनुअल में। तो इस प्राइस पॉइंट में मैं ये वॉच ज़रूर रिकमेंड करूँगा, मतलब बाकी जितना भी आता है उसमें ये काफ़ी प्रीमियम लगता है, ये मेटल स्ट्रैप और मेटल जो इसका बिल्ड क्वालिटी है उसके हिसाब से। पीछे की तरफ यहाँ पे प्लास्टिक का बिल्ड है, बट ये बाकी पूरा मेटल का है, और हाथ में पहनोगे तो काफ़ी प्रीमियम सा लगता है। बट हाँ, इसका जो स्क्रीन है वो मतलब पूरा स्क्रीन नहीं है, ऊपर डायल जो है मतलब केस के साथ, केस और इसका बीच में जो मतलब डिस्प्ले है उसमें ये ब्लैक बॉर्डर आप लोगों को दिख जाएगा, मतलब फुल स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मैक्सिमम नहीं है, या फिर ये स्क्रीन पूरा एजेस तक नहीं है, तो ऐसे नॉर्मली नहीं दिखेगा, बट अगर मेन स्क्रीन ऑन हुआ तो वो दिखता है कि कहाँ तक है। जैसे मैं ये वाइट है तो दिख रहा है, तो ब्लैक में थोड़ा कम लगेगा,
बट फिर भी दिखेगा आप लोगों को कि कहाँ तक है। तो इसमें एक मोटा ब्लैक कलर का आप लोगों को चिन्ह दिख जाएगा। तो चलिए अभी इसका जो ऐप है वो आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसा है। तो ये है जेब एक्टिव ऐप। तो ये ओपन करने के बाद स्क्रीन ऐसा आता है, ठीक है। ये है हेल्थ स्क्रीन और ये है एक्सरसाइज स्क्रीन और ये है इसका जो मतलब वॉच के साथ कनेक्ट करने का इंटरफेस। तो बेसिकली इसमें ब्लूटूथ ऑन होना चाहिए और ब्लूटूथ ऑन होने के बाद मैं यहाँ पे रिकनेक्ट करता हूँ। तो अभी दिखा रहा है यहाँ पे कनेक्टेड करके और इसका बैटरी परसेंटेज भी दिखा रहा है, वॉच भी दिखा रहा है। तो इधर पे जाएंगे तो इधर पे अपग्रेड का ऑप्शन आता है, या टाइम फॉर्मेट चेंज करना हो या फिर यूनिट चेंज करना हो तो वो सब इधर पे है। फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन भी इधर पे है। अब आप लोगों को इसका जो डायल्स है वो दिखा देता हूँ। तो बहुत सारे डायल्स है इसमें। तो कोई भी आप लोग ऐसे चूज़ कर सकते हो और इसको सिंक डायल करोगे तो इधर पे सिंक हो जाएगा। और ये है इसका जो कस्टम ऑप्शन है। तो इसमें बेसिकली टेक्स्ट कलर आप लोग चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे इसका प्रीव्यू दिख जाएगा और यहाँ से इसका बैकग्राउंड मतलब पिक्चर जो है वो चेंज कर सकते हो। कैमरा से डायरेक्ट फ़ोटो ले सकते हो या फिर एल्बम से कोई भी फ़ोटो ले सकते हो। टाइम लोकेशन इसका मतलब ये ऑप्शन है, टॉप या बॉटम या लेफ्ट या राइट जो भी है तो ऐसे चूज़ कर सकते हो। तो उसके बाद सिंक करेंगे तो वो सिंक हो जाएगा। तो ये एक ऑप्शन है, मतलब उसका कोई एनालॉग का ऑप्शन है नहीं है, वो सिर्फ डिजिटल पे ही आएगा। तो मैं बाकी सारे स्क्रीन्स जो भी अवेलेबल है अभी के लिए वो दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये है मैकेनिकल वाला। तो काफ़ी सारे स्क्रीन है दोस्तों और बहुत सही भी दिखता है, स्पेशली जो मैकेनिकल स्क्रीन्स है या फिर मतलब पॉइंटर सिंपल जो है वो सब बहुत सही लगता है मुझे। और साथ में ये सब जो है ये पूरा डिटेल देता है डिजिटल स्क्रीन्स जो है। तो इसका जो स्क्रीन्स है दोस्तों सही में मतलब बाकी जो ऐप्स है मतलब आमी स्पीड छोड़ के बाकी और भी जो भी ब्रांड्स है उसमें ये जो स्क्रीन्स आता है, ये जो मतलब डिस्प्ले का जो ऑप्शंस है, जो डायल्स है बेसिकली, तो इतने सारे अच्छे अच्छे डायल मैंने देखा नहीं है। मतलब मैं बाकी पहले जो भी वॉच यूज़ किया उसमें बहुत सारे स्क्रीन्स था बट लेकिन इसका जो डायल्स है वो काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब जैसे एक्चुअल वॉच में जैसे होता है तो वो बहुत स्मूथ है और बहुत सही भी दिखता है। तो इधर से कैमरा का ऑप्शंस है, नोटिफिकेशंस का सब आप सेट कर सकते हो कि किसका किसका नोटिफिकेशन आएगा, कॉल रिमाइंडर वो सेट कर सकते हो। और साथ में क्या है, हेल्थ मॉनिटरिंग का जो भी ऑप्शंस है क्या क्या है वो सब इधर से सेट कर सकते हो। और यहाँ पे तो वैसे मेन डैशबोर्ड जो है यहाँ पे बाकी सब कुछ दिख जाएगा। तो यूआई काफ़ी अच्छा है और कनेक्टिविटी भी सही है। मतलब एक बार ये ऐप से कनेक्ट हो गया और साथ में क्या है इसका कॉलिंग के लिए, लेकिन यहाँ पे ब्लूटूथ से भी कनेक्ट करना पड़ेगा। पहले ऐप से कनेक्ट करना पड़ेगा फिर यहाँ पे आएगा ये एमएसपी पॉप आर करके, आप लोग देख सकते हो, इसको भी यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। और इधर पे कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे फ़ोन कॉल अलाउ करना पड़ेगा। अगर मीडिया भी अलाउ कर दो तो इधर पे अगर फ़ोन में कोई म्यूज़िक या मूवी देखते हैं तो उसका भी वॉच में उसका म्यूज़िक बजता है। तो आप अगर वो चाहते हो तो वैसे आप इसको इनेबल कर सकते हो, नहीं तो फिर सिर्फ फ़ोन कॉल इनेबल किया तो सिर्फ फ़ोन कॉल इससे डायरेक्ट होता है। और अगर ब्लूटूथ ये मतलब फ़ोन भी कनेक्ट रहेगा या साथ में ब्लूटूथ ईयरबड भी कनेक्ट रहेगा तो दोनों आप मोबाइल में कनेक्ट करो, लेकिन यहाँ पे फिर उसको जो भी जिससे आप रिसीव करना चाहते हो उसको फिर सिलेक्ट करके कॉल ऑप्शन उसमें इनेबल करना पड़ेगा, इसमें डिसेबल करना पड़ेगा, नहीं तो हमेशा ये फ़ोन में मतलब वॉच में कॉल रिसीव हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप लोगों को ये वॉच कैसा लगा ज़रूर बताइए और इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वॉच दोस्तों जैसा मैंने बोला कि 5000 के रेंज में फ्लिपकार्ट में हमेशा बिकता है और मतलब ऑफ़र में मतलब फोर बिग बिलियन डे या ऐसा कोई भी ऑफ़र में फ्लिपकार्ट में नॉर्मली ये 4000 के नीचे मिल जाता है। तो मैं वो 4000 के नीचे वाले प्राइस में तो ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा क्योंकि इसका बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, लुक काफ़ी अच्छा है, बैटरी बैकअप भी सही है और डिस्प्ले भी मतलब बहुत सही है।
तो इस प्राइस पॉइंट में दोस्तों ये ज़रूर रिकमेंडेड है। तो आप लोगों को क्या लगता है, तो मतलब ये लेना चाहिए कि नहीं इस प्राइस पॉइंट में, या इससे अच्छा इस प्राइस पॉइंट में कोई वॉच है तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे कोई दूसरा आइटम लेके। तब तक के लिए गुड बाय।